वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज हम ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, क्रैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कार। ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों में, यानी जो हमारा इंजन लगा होता है गाड़ियों के अंदर, उसमें क्रैंकिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है उसकी हम बात करेंगे। क्रैंकिंग को दूसरे शब्दों में स्टार्टिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट्स ऑफ क्रैंकिंग मोटर, यानी स्टार्टर मोटर भी हम इसे बोल सकते हैं, स्टार्टर मोटर। यहाँ पर हमें ज्ञात होगा गियर रेशो के बारे में, यानी अगर मैं इसको फ्लाई व्हील मान लूँ, इसको मैं पिनियन मान लूँ, तो सेल्फ स्टार्टर मोटर द्वारा जो पिनियन फ्लाई व्हील को घुमाता है, तो उसमें पिनियन यदि 15 बार राउंड यानी आरपीएम घूमेगा, 15 बार अगर टर्न लेगा, तो जो फ्लाई व्हील है वह केवल एक बार ही टर्न लेता है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि क्या रेशियो का अनुपात रखा गया है। क्यों? क्योंकि वाहनों में जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो का अंतर आएगा, सीसी का अंतर आएगा, वहाँ पर हमें डिफरेंट गियर रेशियो देखने को मिल सकता है पिनियन और फ्लाईव्हील के बीच। अब आते हैं इस वाली स्लाइड पर। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिखाई गई है। बीच में यहाँ पर आर्मेचर दिखाया गया है। या तो हम यहाँ पर परमानेंट कॉइल लगा दें या टेम्परेरी कॉइल लगा दें। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जाते हैं और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, यानी ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इस साइड जाएगा। तो यदि हम जो हमारा आर्मेचर है उसमें हम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो कि मैग्नेट का एक गुण है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। अधिकतर वाहनों में देखने में आता है कि अट्रैक्टिव फोर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वे कुछ मात्रा में ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मेन पार्ट्स ऑफ क्रैंकिंग मोटर यानी सेल्फ स्टार्टर मोटर के जो कंपोनेंट्स हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। लीवरेज लॉ और ओवर रनिंग क्लच सिस्टम, थर्ड बेंडिक्स ड्राइव, फोर्थ एक्सिस होल्ड सिस्टम, फिफ्थ सोलेनोइड स्विच, सिक्स आर्मेचर, सेवन फील्ड कॉइल, एट प्लेनेटरी गियर। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं इन तस्वीरों के द्वारा। एक नंबर यानी एक लीवर लगा हुआ है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये वाला है, ये वाली। दो नंबर में इसने बोला ओवर रनिंग क्लच, ओवर रनिंग क्लच है हमारा ये वाला, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर। तीन नंबर है बेंडिक्स ड्राइव, बेंडिक्स ड्राइव ये थर्ड है, ये वाला पोर्शन जो कि इसमें इधर हिडन हो गया है। अब इसमें हम आगे समझेंगे एक्सिस होल्ड सिस्टम, सोलेनोइड स्विच फाइव नंबर यानी यहाँ पर, इसी में आपका एक्सिस होल्ड सिस्टम भी लगा हुआ है। सिक्स नंबर आर्मेचर, तो ये हमारा आर्मेचर है। सेवेंथ फील्ड कॉइल, इसके अंदर इंटरनली फील्ड कॉइल लगाया गया है जो कि कुछ ऐसा है, जैसे रेड वाला आप यहाँ देख पा रहे हैं। प्लेनेटरी गियर यानी गियर सेट जो कि है ये लगा। आई होप यहाँ पर तस्वीरों में आप कंपोनेंट्स को समझ पा रहे हैं। ये तस्वीर बेसिकली सिर्फ ये बताने के लिए कि लाइफ में वो तस्वीरें कैसी होती हैं, अदरवाइज इन नंबर्स के अकॉर्डिंग इस तस्वीर में उनको अंकित किया गया है। आइए ये जानकारी प्राप्त करने के बाद कि क्रैंकिंग मोटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं
अब हम इनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। लिवरेज मैकेनिज्म। ए लिवर इज ए मैकेनिज्म दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सर्ट द लार्ज फोर्स ओवर ए स्मॉल डिस्टेंस एट वन एंड ऑफ द लिवर बाय एक्जेक्टिंग द स्मॉल फोर्स ओवर द ग्रेटर डिस्टेंस देन द अदर एंड। तो एक लीवर की बात हो रही है बेसिकली, जैसा कि सिंपली अगर हम इस तस्वीर में समझने की कोशिश करें, अगर हमें इस वजन को उठाना है तो यहाँ पर हमें कम फोर्स लगानी होगी क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस लीवर का ज़्यादा है और इस जॉइंट के बाद यहाँ पर लीवर का डिस्टेंस कम है, तो हम यहाँ पर कम ताकत लगा कर भी इस हैवी वेट को उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इसकी जो पॉइंट है उसको रख करके लीवर बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से इस वाले पॉइंट में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पर हमारा प्लंजर रॉड होगा, ये इसको इधर खींचेगा तो ये इस तरफ धकेला जा सकता है। तो यहाँ पर एक लीवरेज का नियम है जो कि कार्य करेगा लीवर मैकेनिज्म, ताकि टॉर्क थोड़ा बढ़ जाएगा और जो पिनियन है वो जल्दी से आगे जा। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बेंडिक्स ड्राइव। अब हम समझेंगे कि बेंडिक्स ड्राइव क्या होता है। बेंडिक्स ड्राइव द ड्राइव अलाउ द पिनियन गियर टू द स्टार्टर मोटर टू एंगेज और डिसएंगेज फ्लाईव्हील ऑफ द इंजन ऑटोमेटिक। यहाँ पर बेंडिक्स ड्राइव में हमें सबसे पहले समझना है, देन हम इस की बात करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। बेंडिक्स ड्राइव बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको कुछ थ्रेड्स देखने को मिल रही होंगी, यानी कुछ हेलिकल लाइंस आपको देखने को मिल रही होंगी, ऐसी ही अपोजिट इसके अंदर इंटरनली बनाई गई हैं। यानी अगर मैं आर्मेचर को घुमाऊँगा तो ये भी क्या होगा, आगे जाने की कोशिश करने लगेगा। इसके बाद है हमारा बेंडिक्स ड्राइव में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो पिनियन है वो लगाया गया है, इसके अंदर एक फ्री जो है वो क्लच लगा हुआ है, यानी ये जो गियर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, ये एक स्पर गियर है क्योंकि स्ट्रेट है 180 डिग्री पे लाइन इसकी टीथ की, तो जब ये रोटेट होगा तो सिर्फ वन वे डायरेक्शन में ही रोटेट हो सकता है। बिकॉज अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये केवल एक दिशा में घूमने की मोशन दे रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ लिखा है एंगेज और यहाँ लिखा है फ्री, तो अगर इस दिशा में घुमाएंगे तो ये क्या होगा, फ्री होगा, और इस दिशा में घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ओवर रनिंग क्लच होता है वह कार्य करता है और बेंडिक्स ड्राइव भी इसी के साथ मूवमेंट कर रही होती है। आइए स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। होल्ड एंड पुल सिस्टम, ये क्या चीज़ है इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा ये तो हमारा सेल्फ स्टार्ट मोटर है, ये बैटरी यहाँ से सप्लाई गया, अगर इसको शॉर्ट किया जाए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को शॉर्ट किया जाए तो ये मोटर जो है वो रनिंग में आ सकता है। अब होल्डिंग और पुलिंग कॉइल का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये जो आर्मेचर, ये जो आपका प्लंजर जो लगा हुआ है, ये जो प्लंजर है ना, ये इसी मोमेंट पे जब इसको शॉर्ट करें इन दोनों पॉइंट को तो वहीं पर होल्ड रह सके, और एक लगाया गया है कि पुल कर सके। तो इस प्रकार की दो कॉइलों का इस्तेमाल यहाँ देखने को मिलता है। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, जो आपकी पुलिंग वाइंडिंग है वो थोड़ी सी पतली वायर से मिलकर के बना गया, पतली वाइंडिंग से मिलकर के बनाया गया है ताकि वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना सके, खींच सके काफ़ी ज़्यादा स्पीड से। और होल्डिंग कॉइल को लगाया गया है ताकि जब ये आपस में ये पीछे की तरफ जाए खींच करके, तो जब ये आपस में यहाँ पर इस पॉइंट टच हो जाए तो ये वहाँ पर होल्ड रह सके। तो आई होप अभी तक इस स्लाइड से आपको इस
तस्वीर से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। स्विच, अब ये सोलेनोइड स्विच क्या होता है इसको समझते हैं। ए स्टार्टर सोलेनोइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच इज ए अचीव्ड टू एंगेज द स्टार्टर मोटर ऑफ ए इंटरनल कंबशन इंजन। यानी सोलेनोइड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और ये एंगेज करता है स्टार्टर मोटर को इंटरनल कंबशन इंजन पर। अब आगे समझते हैं। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज एज द एक्चुएटिंग कॉइल ऑफ द कनेक्टर। यानी जो कनेक्टर है यहाँ पर दो लगे हुए, ये एक्चुअली इसको कनेक्ट करने का जो कार्य है वो पूर्ण करेगा। ए रिले डिजाइन फॉर लार्ज इलेक्ट्रिक करंट विच कॉन्टेक्ट द बैटरी टू द स्टार्टर मोटर पर। अब प्रॉपर तरीके से इसको इसके साथ जोड़ा गया है ताकि यहाँ पर ये सही तरीके से जुड़ जाए और हमारे जो मोटर है जो लगी हुई सेल्फ स्टार्टर मोटर है उसको सप्लाई मिल जाए। आई होप थोड़ा सा भी क्रिटिकल लग रहा होगा आपको समझने में कि ये चल क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे वर्किंग की तरफ पहुँचेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ समझनी आसान हो जाएगी। अब इसके साथ ही वो लीवर आगे लगा हुआ होता है जो प्लंजर को यानी पिनियन को धकेलता है, यहाँ इसे जुड़ा हुआ होता है। आइए अब इसमें हम समझते हैं। ये देखिए, एक मान लीजिए यहाँ से बैटरी पर मैंने बैटरी का पॉजिटिव करंट लिया, यहाँ लगा दिया, दूसरा ये वाला पॉइंट जो है जाके हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर में चला जाएगा। जैसे ही हम इस वाले पॉइंट को सप्लाई देंगे, यानी ये दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो इस वाइंडिंग के अंदर करंट बनेगा सोलेनोइड के अंदर, और ये पीछे की तरफ आएगा, इसका प्लंजर पीछे की तरफ आएगा और इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देगा। यानी इस पर जब हम सप्लाई देंगे तो ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे और बैटरी की सप्लाई जो है वो आगे मोटर की ओर चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आर्मेचर, द आर्मेचर वाइंडिंग कंडक्ट एसी इवन ऑन डीसी मोटर। ये एसी और डीसी मोटर दोनों में लगी होती है। द आर्मेचर कैन बी ऑन इधर ए रोटर। ये एक प्रकार के रोटर के समान ही जैसा कार्य करता है और एक रोटेटिंग पार्ट है, और द स्टार्टर सेकेंडरी पार्ट, यानी स्टार्टर का ही सेकेंडरी पार्ट होता है। द इंट्रक्शन ऑफ द आर्मेचर विद द मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी डन इन द एयर गैप। यानी ये जो है हमारा फील्ड कॉइल है, इसके ऊपर लगा हुआ होता है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये जो है हमारा आर्मेचर घूमता है मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में, और इस आर्मेचर के मध्य जो ये आप कॉइल देख रहे हैं, इस कंप्यूटेटर की हेल्प से इस कॉइल के अंदर जो विद्युत है वो प्रवेश करती है, जिससे ये जो हमारा आर्मेचर है ये रनिंग मोमेंट में आता है। इसमें लगने वाले या मेन जो पार्ट्स हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आर्मेचर, कार्बन ब्रश, कंप्यूटेटर एंड ड्राइव शाफ्ट, यानी ये वाले जो ड्राइव शाफ्ट बैकवर्ड तक लगी हुई है। तो ये एक रोटेटिंग पार्ट है जो फील्ड कॉइल के बीच में लगा होता है फॉर रोटेटिंग। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। फील्ड कॉइल, ए फील्ड कॉइल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू यूज
जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। यानी कोई एक ऐसी ये डिवाइस है जिसे हम बोलते हैं फील्ड कॉइल, जो कि मैग्नेट जनरेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट का कार्य करती है, जिसके कारण उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। टिपिकली ए रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन सच एज ए मोटर और जनरेटर, इट्स कंसिस्ट फॉर ए कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच ए करंट फ्लो। यानी जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है उसे सच एज ए मोटर हम जानते हैं, और जो कॉइल है इसके बीच में हम, ये जो कॉइल है इसके अंदर हम क्या करते हैं, करंट भेजते हैं जो कि इसके बीच में गुजरता है, जिसके कारण क्या होगा, एक ऐसा मैग्नेट फील्ड जो है वो इसके चारों तरफ जनरेट हो जाता है। इसके साथ आपको कार्बन ब्रशेस भी लगे हुए देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली फील्ड कॉइल का कार्य है एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करना, यानी जैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे फील्ड कॉइल है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट जनरेट करती है। अब ये टेम्परेरी मैग्नेट जनरेट करेगा, और जो हमारा आर्मेचर है वो एक ऐसे कंडक्टर काम करेगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और वे इसके भी मध्य रोटेट करना स्टार्ट करेगा जब यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी देख करके मैग्नेट बनवाया जाएगा। आइए नेक्स्ट आगे स्लाइड करते हैं। प्लेनेटरी गियर, जिसे एपिसाइक्लिक गियर के नाम से भी जाना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि देखने में कुछ इस प्रकार का होगा। ए सिंपल प्लेनेटरी गियर सेट इज मेड अप ए सन गियर इन द सेंटर, मल्टीपल प्लेनेट गियर, द रिंग गियर और आउटर गियर। हायर रेशियो वी कैन ऑफन ड्यूअल एंड ट्रिपल स्टेज। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे अधिक और लगा दें तो उसके द्वारा क्या होगा, जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, और रेशियो चेंज होने का अर्थ है कि हम टॉर्क और स्पीड को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कई वाहन ऐसे होते हैं जिसके सेल्फ स्टार्टर मोटर में हमें ये प्लेनेटरी गियर सेट देखने को मिलता है। अधिकतर अगर हम डीजल वाहनों में देखें तो उनके सेल्फ स्टार्टर मोटर में हमें ये प्लेनेटरी गियर सेट देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, इसकी हम बात करते हैं। पेट्रोल वाहन में हमें सेल्फ स्टार्टर मोटर को जो हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मोटर एफिशिएंटली 12 वोल्ट से, जो हमारी पेट्रोल व्हीकल में लगने वाली सेल्फ स्टार्टर मोटर है वो एफिशिएंट टॉर्क क्रिएट कर लेता है इंजन को घुमाने के लिए, और इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है। किंतु यदि हम वही सेल्फ स्टार्टर मोटर जो पेट्रोल में लगा हुआ था, पेट्रोल इंजन में लगा हुआ था, वही यदि हम डीजल में लगा दें तो वह वहाँ पर प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत ही अधिक होता है, और जब कंप्रेशन रेशियो बहुत अधिक होगा तो जो ड्राइव दी जा रही है उसके अंदर शक्ति भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो डीजल वाहनों में लगने वाले सेल्फ स्टार्टर में प्लेनेटरी गियर सेट यानी एपिसाइक्लिक गियर अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सेल्फ स्टार्टर मोटर द्वारा जो पावर जनरेट हो रही है उसकी टॉर्क को बढ़ाया जा सके और हमारा इंजन सरलता से स्टार्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त डीजल वाहनों में पेट्रोल वाहन की अपेक्षा अधिक बैटरी एम्पियर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं।